नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक नया वैकेंसी नोटिस, एक नया नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो नॉर्डसेट 6 से रिलेटेड है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली द्वारा, आप देख सकते हैं नोटिस संख्या 28/2024 को यह पब्लिश किया गया है। आइए, नॉर्डसेट जो 6 है, इसके पहले नॉर्डसेट 5 तक के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और अब 26 तारीख को एम्स न्यू दिल्ली ने नॉर्डसेट 6 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अंतर्गत जितने भी एम्स दिल्ली के अलावा ऑल इंडिया में जितने भी एम्स हैं, वहां पर जो करेंट वैकेंट पोजीशन है नर्सिंग अफसर का, उसके लिए एग्ज़ाम होगा नॉर्डसेट 6 के माध्यम से। और एग्ज़ाम का जो प्रक्रिया रहेगा, जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको वहां पर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो आइए हम पूरा डिटेल्स जानेंगे, आखिर आपका जो कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका फी पेमेंट कितना है, आपका एप्लीकेशन फी का चार्ज कितना है, उसके बाद आपका एज कितना होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन का क्या क्राइटेरिया है, उसके बाद आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो हम टोटल ए टू जेड चीज़ें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए यहाँ पर लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग अफसर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्डसेट 6 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग अफसर एट लेवल 7। यह जो नर्सिंग अफसर का पोस्ट है साथियों, लेवल 7 का पोस्ट है, अंडर ग्रुप बी, इन द पे मैट्रिक्स प्री रिवाइज्ड बैंड 2 ऑफ 9300 से 34800। ये आपका बेसिक है, या आप ग्रेड पे के सिस्टम से देखेंगे, ग्रेड पे आप 4600, ग्रुप बी फॉर एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स एज पर अवेलेबल वैकेंसीज इन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स। तो साथियों, यह जो पोस्ट है नर्सिंग अफसर का है, जो 7 CPC के अंतर्गत लेवल 7 का पोस्ट है, और हम 6 पे के अंतर्गत जाएंगे, पे बैंड 2 के अंतर्गत, या 9300 से 34800 इसका जो बेसिक है, और ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत ग्रुप बी का पोस्ट है। मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा, जिन भी साथियों को जो नर्सिंग अफसर का या स्टाफ नर्स का जो पोस्ट होता है, उसका पेमेंट क्या है, अलाउंसेस क्या है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है, तो हमारे द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर इसका एक अलग से वीडियो उपलब्ध है, जिसको हमने बहुत ही सिंपल, सहज और सरल भाषा में आप लोगों को बताया है कि आखिर आप लोगों को क्या क्या बेसिक सुविधाएँ मिलती हैं। आइए आगे हम बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपियरिंग इन नॉर्डसेट, तो आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहला है, दो क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। पहला कंडीशन क्या है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। आप अगर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की हैं या नॉर्मल बीएससी नर्सिंग की हैं, फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, अगर आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की हैं या बीएससी नर्सिंग की हैं नॉर्मल, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से या जिस इंस्टीट्यूट से आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स किए हैं या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसका दूसरा कंडीशन है, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, दोनों में से कोई है, फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास बीएससी ऑनर्स है ठीक है, या बीएससी नर्सिंग कोर्स है रेगुलर जो 4 इयर्स का है ठीक है। इसके अलावा अगर आप बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट किए हैं या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हैं, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल, उसके अलावा आप चारों में से, या तो आपके पास बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स है, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, अगर चारों में से कोई कोर्स है, और उसके बाद आप स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं एज ए मिडवाइफ नर्स, आप इसके लिए इंटाइटल्ड हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर देखिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और बोर्ड और काउंसिल, अगर आप GNM जो डिप्लोमा है, आपने किसी जो अप्रूव्ड नर्सिंग कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किए हैं,
और रजिस्टर्ड एट नर्सेज एंड मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। उसके बाद आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल में आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या होता है कि लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनका चल रहा है, साथ में अपना प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है क्लिनिकल एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आपका 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 50 बेड के हॉस्पिटल में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। द रिक्वायर्ड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द एवब इज एन इसेंशियल क्राइटेरिया एंड टू बी वैलिड। जो जीएनएम वाले हैं, जीएनएम वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस ये मस्ट है। अगर आप जीएनएम बेस पे भर रहे हैं, द एक्सपीरियंस शैल बी एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आइए हम एज लिमिट की बात करते हैं साथियों। एज लिमिट जो है 18 से 30 साल है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट्स जो यूआर कैटेगरी के हैं, हम सबके लिए नॉर्मल यहाँ पर बता रहे हैं, वह 18 से 30 साल के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट भारत सरकार का जो एज रिलैक्सेशन की जो पॉलिसी है उसके अनुसार जो कैटेगरी वाइज है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये शैल बी काउंटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ क्लोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका कट ऑफ डेट होगा एज कैलकुलेशन का, वह एप्लीकेशन फॉर्म का जो क्लोजिंग डेट है उससे काउंट किया जाएगा। आइए हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं। जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3,000 का ये फी है। एससी एसटी कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस के लिए 2,400 का ये आपका फी है, 2,400 फी है। और जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं, पीडब्ल्यूबीडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वो एग्जेम्प्टेड है, उनके लिए कोई फी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं द कैंडिडेट कैन पे द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग फी इफ एनी एज एप्लीकेबल विल बी पेएबल टू द बैंक बाय द कैंडिडेट्स। अगर कोई ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, प्रोसेसिंग फी लगता है, तो वो आपको पे करना है। एप्लीकेशन फी वंस रिमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी कंडीशन। एक बार आपका फी पेमेंट हो गया वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब फी वुड नॉट बी कंसिडर एंड सिमिलरली रिजेक्टेड। अगर आप एप्लीकेशन फी बिना पे किए आप जमा करना चाहते हैं और किसी तरीके से, तो आपका वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी ऑफ एस सी एस टी कैंडिडेट्स हु अपियर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ एस सी एस टी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड इन लेटर स्टेज। जो एस सी एस टी कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम में अपियर होते हैं और उनका जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद आपका एस सी एस टी कास्ट वेरिफिकेशन करके आपको जितना भी एप्लीकेशन फी अर्थात 2,400 जो भी आपका एप्लीकेशन फी लगा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखना है साथियों, जो आपका ये इसका NARSET 6 का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है स्टेज 1 का, वह 14 अप्रैल 2024 संडे के दिन है। और जो इसका सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम है NARSET मेन्स का, वो 5 मई 2024 संडे को है। ये डेट हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए हम आगे चलते हैं साथियों। जो नोटिफिकेशन है करीब 17-18 पेज का है, तो हम पूरा ना डिस्कस करके हम मेन मेन टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, उसको हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी डन थ्रू द वेबसाइट। वेबसाइट यहाँ पर दिया है फ्रॉम 26 फरवरी 2024 से 17 मार्च 2024 तक के 24 को शाम के 5 बजे तक आप भर सकते हैं। उसके बाद भरने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स या रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं भेजना है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है। हाउएवर जो कैंडिडेट्स हैं जो आपने फॉर्म भरा है उनको सलाह दी जाती है कि आप रजिस्ट्रेशन स्लिप है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसका एक सॉफ्ट कॉपी एक हार्ड कॉपी अपने पास फर्दर रिकॉर्ड के लिए रखे रहिए। कोई करेक्शन अगर करने की ज़रूरत है रजिस्ट्रेशन के बाद, वह किसी भी माध्यम से ईमेल या लेटर के माध्यम से कंसीडर नहीं किया जाएगा। अर्थात आप जब फॉर्म भर रहे हैं आप जितने भी डाटा हैं, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो कुछ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो कुछ बेसिक जानकारियां हैं उसको सही सही दीजिए। टाइम लगे टाइम लीजिए, लेकिन सही से। और एक बार रिव्यू में अपना खुद
उसको रीचेक कीजिए कि जो भी डाटा आप सबमिट करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेल्फ चेक देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग टू एनी पोस्ट टू एस्केप फॉर डिनायल आफ्टर सेलेक्शन। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि आप जब अप्लाई करें तो उसके पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी, जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया, उसको चेक करें। ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन के समय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आए तो आपका सिलेक्शन रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि आप जो मिनिमम एजुकेशन और क्वालिफिकेशन उसको फुलफिल नहीं करते हैं। यहाँ पर करेक्शन एडिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इसको क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद फर्दर सेकेंड और थर्ड स्टेज में आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन में अगर कुछ गलती हुआ है तो उसके लिए 18/3/2024 से 20/3 2 दिन का समय दिया जाएगा, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। 20/3/2024 के शाम 5 बजे के बाद कोई भी करेक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये मेन मेन है साथियों, आइए हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन में कई सारे इसमें डाटा दिए हैं, तो वो उसके बारे में हमने ऊपर बात कर लिया है। तो मेन मेन जो है इसमें SC/ST के लिए 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, PWBD के लिए 10 ईयर्स का है, PWBD और अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 13 ईयर्स का है, PWBD कैंडिडेट अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो उनको 15 ईयर्स का है, एक्स सर्विस मैन एंड कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ECO, SSCOs उनके लिए 5 ईयर्स का है, जो एनेक्स 2 में पूरा डिटेल में दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज फॉर ग्रुप बी पोस्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सर्विंग एम्प्लाई है उनके लिए 5 ईयर्स का है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्विंग एम्प्लाई है वो OBC कैटेगरी के से है तो उसको 8 ईयर्स का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विंग एम्प्लाई अगर SC/ST कैटेगरी से है तो उसको आपका 15 ईयर्स का है, 15 ईयर्स का आपको दिया जाएगा, 5+5 सॉरी 10 ईयर्स का, 10 ईयर्स का दिया जाएगा, 5+5 10 ईयर्स का दिया जाएगा उनको एज रिलैक्सेशन। 5 ईयर्स का नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, 8 ईयर्स OBC SC/ST के लिए 10 ईयर्स का है। उसके बाद आइए हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिया है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कोर्ट के कुछ डिसीजन हैं, DUPT के कुछ गाइडलाइंस है, उसको इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मैंशन किया है। तो जो भी कैंडिडेट्स है इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप पूरा गो थ्रू कर सकते हैं। तो आइए हम और देखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ है, जो कैंडिडेट्स करेंट सर्विंग एम्प्लाई हैं कहाँ पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, उनको अपने करेंट एम्प्लायर से NOC सर्टिफिकेट अवश्य रूप से लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको वह दिखाना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि करेंट जो सर्विंग एम्प्लाई हैं उनको NOC प्रोवाइड करना है। अब आइए हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। जैसे पहले NORSET के एग्जाम्स के थे, सेम पैटर्न वही रहेगा। जो पैटर्न होगा वह दो स्टेज में होगा, स्टेज 1 होगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम और स्टेज 2 होगा आपका मेन एग्जाम। अगर हम प्रिलिमिनरी की बात करें तो यह क्वालिफाइंग होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, NORSET प्रिलिमिनरी विल नॉट बी यूज फॉर डिसाइडिंग मेरिट रैंक फॉर फाइनल सेलेक्शन। तो ये आपको क्वालिफाइंग होगा, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेन्स एग्जाम देने के लिए उनको कॉल किया जाएगा, और जो आपका मेरिट बनेगा वो मेन्स एग्जाम के बेस पर बनेगा। यह केवल स्क्रूटनी के लिए आपका स्टेज 1 रखा गया है। स्टेज 1 जो है वह 90 मिनट्स का होगा, 90 मिनट का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 MCQ क्वेश्चन पूछेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन आपका रहेगा जनरल नॉलेज से, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से, 80 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग कोर्स से, सिलेबस से रहेंगे, जो आपको आपके क्वालिफिकेशन लेवल के आधार पर आपको पढ़ाया गया था। निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस, 5 सेक्शन में डिवाइड किए जाएंगे, ईच ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन, प्रत्येक के लिए 18 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाएगा, वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन, यहाँ पर प्रत्येक सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये मेन मेन चीज़ें हैं दोस्तों, आइए हम मेंस एग्जाम का हम देखते हैं, इसके बारे में और पूरा डिटेल दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो सेकेंड एग्जाम रहेगा मेंस, उसका ड्यूरेशन भी 90 मिनट्स का रहेगा, इसमें भी 100 क्वेश्चन MCQ टाइप के रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे,
फोर अल्टरनेटिव जो आपका रिलेटेड टू सब्जेक्ट कवरिंग द इंटायर सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्सेज बीइंग टॉट एट द इसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल फोकस्ड टूवर्ड्स केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस फॉर टेस्टिंग नर्सिंग स्किल कॉम्पिटेंसी। आपका जो 100 क्वेश्चन रहेगा टोटल नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3। जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। 18 मिनट्स के ये सेक्शन रहेंगे जो 20 क्वेश्चन कैरी करेंगे। तो सेम वही पैटर्न है जो प्री का रहेगा, मेंस का रहेगा, सिलेबस आपका डिफरेंट है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दिया है क्वालिफाइंग का क्या मेरिट रहेगा एससी एसटी ओबीसी के लिए, अलग अलग दिया है, इसको भी आप दे सकते हैं। आपका सिलेबस जो रहेगा, द सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन एलिजिबिलिटी सेक्शन एंड एडवर्टीजमेंट। तो वही हमने बताया कि आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपके जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड उसी के आधार पर रहेगा। तो उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। आपको कैसे फ़ोटो अपलोड करने हैं, कैसे कैसे किस किस स्टेज में क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर पूरा गाइडलाइंस दिया है। तो यहीं तक मेन मेन है। उसके बाद जो भी अगर लीगल कोई मैटर होता है तो वो डेली ज्यूरिडिक्शन कोर्स में ही उसको कंसिडर किया जाएगा। अब आइए यहाँ पर देखें कि आखिर कौन कौन से एम्स हैं जहाँ पे वैकेंसियाँ हैं। वैकेंसी टोटल इन्होंने डिक्लेयर अभी नहीं किया। लिस्ट ऑफ एम्स वेयर नंबर ऑफ पोस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपका 14 एम्स हैं, जिसमें एम्स भटिंडा, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स कल्याणी, एम्स बलंगिरी, एम्स नागपुर, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, एम्स विजयपुर। ये 14 एम्स है जहाँ पे वैकेंसियाँ हैं। कितनी कितनी पोस्ट है आने वाले दिनों में उसको अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस भी दिया है, वेबसाइट भी दिया है, आप उसको विजिट करके आप पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सिलेक्शन का इनका क्राइटेरिया है। एज पर डिसीजन इन फोर्थ मीटिंग ऑफ सीआईबी हेल्ड ऑन 27 जुलाई 2019, 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एंड 20% फॉर मेल एट पार्टिसिपेटिंग एम्स। ये जो हमेशा से पिछले एम्स जो नॉर्सेट के एग्जाम्स थे उसमें भी इसको कंसिडर किया गया था और इसी बेस पर यह रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो टोटल जितनी वैकेंसियाँ रहेंगी उसमें से 80% जो सीट्स हैं वो फीमेल्स के लिए हैं और 20% जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हवाई एक्स सर्विसमैन का जो एज रिलैक्सेशन रहेगा उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है पूरा टोटल डिटेल्स। और उसके बाद बताया गया है कि आखिर एक्स सर्विसमैन में किसको कंसिडर किया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन है एक्स सर्विसमैन को किसको कंसिडर किया जाएगा, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए एनेक्सर 3 है। जो पीडब्ल्यूबीडी से रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं उनका अलग अलग, जैसे एलडी है, एलओएल है, और उसके बाद आपका एवी है, तो इस तरीके जो कैंडिडेट्स उसके अंतर्गत आते हैं उनका क्या वो गाइडलाइंस है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो टोल फ्री नंबर है, अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी रेज कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ भी आप क्वेरी को रेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप इसका टाइमिंग है 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को 10 से 1 PM तक आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेरी को रेज कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, आप वेबसाइट के माध्यम से भी आप अपने क्वेरी का निदान कर सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।